सिक्रीन चीने का मुताबादल मसनुअ मीठा अठारह सो सत्तर में रूसी कीमियादान कॉन्स्टेंट फॉलबर्ग ने होपकिन यूनिवर्सिटी लेबोरिटी में कोलतार से हासिल करने वाली मुख्तलिफ चीजों पर तहकीक कर रहे थे एक रात वो काम खत्म करके घर वापस आकर खाना खाने लगे तो इन्हें महसूस हुआ की जो रोल्स वो खा रहे है उसका जायका प्रसरार अंदाज में मीठा हो चुका है उन्होंने अपनी बीवी ऐसी इसका सबक पूछा तो उन्होंने बताया की रोल्स तो मामूल के मुताबिक बनाए गए थे उनका साइंसी जहन सोचने लगा और आखिर उन्होंने जान लिया की जिस चीज ने रोल्स को मीठा कर दिया वो उनके हाथों पर लगा केमिकल था केमिकल हेरिटेज फाउंडेशन ने स्क्रीन की तारीख में लिखा है कि दिन में काम के दौरान फॉलबर्ग के हाथों पर एक तजुर्बाती मादा लग गया था जिसकी वजह से रोल्स मीठे हो गए थे वो खाना छोड़कर अपनी मेज़ पर मौजूद हर चीज को चखना शुरू किया उन्होंने काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली हर चीज को चखा था आखिर उन्होंने जान लिया कि किस की किस मादे की वजह से उनके रोल्स मीठे हो गए थे इस ईजाद का एक दिलचस्प पहलू ये भी है की अगर फॉलबर्ग ने सफाई की जदीद असूलों पर अमल किया होता तो स्क्रीन कभी ईजाद ही ना होती और दुनिया सिफर कैलोरी वाले मीठे से महरूम रहती